फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं ऋचा, मैं सौरभ, और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीडलिंग। तो हम लोगों ने सीड मंगवा लिया है, ये बहुत सारे सीड है। ये बीजवाला.com करके एक साइट था, वहाँ से मंगाया है। देखते हैं ये मतलब उगता है या नहीं उगता है इससे प्लांट। तो अब और हम लोगों ने अपना सामान भी ले लिया है, ये भी ले लिया है, और ये हम लोगों ने नेम कार्ड भी मंगवाया है। तो पहले हम नेम कार्ड लिखेंगे, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करें। कैप्सिकम का फोटो भी बनाई है क्या? वो ट्राई था, ये कैप्सिकम का फोटो नहीं है, पेन ट्राई किए थे। कितने तरह का चिल्ली मंगाए हो भाई? इसमें ना चार पांच वैरायटी का ऑर्नामेंटल चिली सब है, जो एकदम फॉरेन का वैरायटी होता है, एकदम सब में अजीबो गरीब अलग अलग तरह की चिली देखेंगे। और एक वैरायटी ऐसा है जो पूरा है, बहुत भयंकर वाला स्पाइसी गोल गोल छोटा छोटा चिली होता है। तो चिली हम तो ट्राई करने के लिए मंगाए। एक मीठा चिली भी है जिसमें येलो बनाना पेपर बोल के था। चलो, तो हमने अपना ये लिख लिया स्टिकर, और अब हम सीड लगाते हैं, सीडलिंग का प्रोसेस रेडी करते हैं। तो ये हम लोग कोकोपीट का अपना टब ले आए हैं, इसमें से थोड़ा सा पहले कोकोपीट निकाल ले रहे हैं। मैं कोकोपीट और कंपोस्ट मिला के उसके उसमें लगाऊंगा सीड को, 50% कोकोपीट 50% कंपोस्ट। तो ये हम लोग का मिक्सचर रेडी हो गया, इतना काफी होगा, हो जाना चाहिए। हमें प्लेन दिखा है, वो वैसे जा रहा है। सौरभ ये मिला चुका है इसमें डालने के लिए कंपोस्ट और कोकोपीट। ऐसे इससे नहीं होगा, हम हाथ से उठा के डालते हैं। I don't need to know your sign, and we don't need to do something you don't like. I just want to spend some quality. तो हमारे पास यहाँ पे 10 प्लांट है टोटल। मेरे को लग रहा है सबका कितना बीज लगाओगे? दो तीन क्या? हाँ, दो तीन काफी है। तो फिर कैसे भर रही हो? फिर लाइन पूरा मत भरो ना। हाँ, चार चार भरो। ऐसे लगा देंगे। फिर नाम कैसे देंगे? चार भरो तो लास्ट वाले में उस रो का नाम दे देंगे। कैसे नाम देंगे? यहाँ पे नाम दे देते हैं। 10 बीच वैसे में अट रहा है, तो ऐसे हो जाता। ठीक है, इसमें से निकाल दे। हाँ, फिफ्थ वाला को खाली कर दो। नहीं होगा खाली, छोड़ दो उसी में। उसमें एक दो ज्यादा लगा देंगे कोई चीज। देख लो ना क्या एक्स्ट्रा लगा सकते। कैप्सिकम दो वो एक्स्ट्रा लगा, हमारा प्यारा। हम ये ट्रे भर लिया है, अब सीड डालना है इसमें। डालते हैं सीड। कितना सही बीज निकला है। तो ये इतना बीज आया है बीजवाले.com से। तो ये है हॉट पेपर राउंड। तो उसने पैसे भी कम लिए थे, ज्यादा पैसे नहीं लगे हमारे। हाँ, बहुत सस्ता बीज था इसका, तो इसीलिए ऑर्डर भी किया था। क्वांटिटी कम है, कोई बात नहीं, एक बार ट्रायल तो पहले पता तो हो कि ये उगेगा या नहीं उगेगा हमसे, मतलब यहाँ पे उगेगा या नहीं उगेगा। तो हम चार उगाने वाले हैं। और ये बाकी रख देते हैं, सोने के भाव मिल रहा है बीज। हम अपना बीज तो बर्बाद करते हैं हमारे घर में। तो यहाँ मिर्ची डाल देते हैं। तो
क्या था ये? ये है हॉट पेपर राउंड SHA। ये हम लोग का पहला प्लांट का चार बीज लग गए हैं। अब हम लोग दूसरा प्लांट खोलते हैं। अब है कैरेबियन रेड हैबानेरो पेपर। पता नहीं अजीबोगरीब नाम क्यों रखते हैं ये लोग। कैरेबियन एरिया के होगा ये चिली। ये एकदम लाल बीज है इसके। लगता है ये बहुत, ये देखो एकदम लाल बीज है, लग रहा है बहुत झाल है इसमें। चलो इसमें छेद कर दो। ये हम लोग का सेकंड प्लांट कैरेबियन। ये रहा इसका नाम, देख सकते हो आप यहाँ पे कैरेबियन रेड हबानेरो। तो ये भी लग गया है। अब लगाया जाए स्वीट बनाना पेपर। ये ठीक है, ये मीठी मिर्ची ऐसा मैंने पढ़ा था, इसमें बहुत ज्यादा झाल नहीं होता है। कुछ ऐसा दिख रहा है ये, और लगाते हैं हम लोग। हम लोग इसमें नेम टैग भी साथ साथ में लगा दे रहे, क्योंकि ना लास्ट टाइम एक बार अगर आपको याद हो, हम लोग ने सीड लगाई थी, बट उसमें से कौन सा प्लांट होगा कुछ याद नहीं था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अब की बार हम लोग नेम टैग साथ साथ लगा दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कौन सा प्लांट होगा। तो ये है चिली कॉर्नो डी टोरो। ये वाली चिली लगाई क्या? तो कुछ ऐसी दिख रही है इसकी, बीज तो सब सेम ही दिखता है, किसी किसी का लाल ज्यादा हो जाता है। चिली मिर्ची उगली है, टेस्ट अलग होगा ना सबका, हम लोगों तभी तो लगा रहे हैं। अब तो चेक करने लगा रहे कैसी मिर्ची उगेगी, फिर जो सबसे अच्छा होगा नेक्स्ट वही लगाएंगे काली। बट ये प्लांट आने में, चिली देने में कितने महीने लगती है तुमको पता है क्या? शायद 3 महीने तो लगता है, 2 महीने तो मिनिमम लगती होंगे। 2 महीने से पहले कुछ नहीं उगता है, खाली हरी पत्ती वाली सब्जी भली उग जाए। तो अब हम लोग लेती उसके तरफ आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीड़ा है या जीरा का, जीरा जैसा लग रहा है। हम लेट्यूस का ज़्यादा डाल रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि लेट्यूस उगने में थोड़ा दिक्कत देता है, तो इसीलिए ज़्यादा डाल दे रहे हैं। आपको लेट्यूस पसंद है? मुझे लगता है इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी देना पड़ेगा, लेट्यूस ऐसे छोटा बॉक्स में एकदम हल्का हल्का। लेट्यूस हो गया, अब डालते हैं लाल वाला लेट्यूस। लाल वाला लेट्यूस तो कुछ ऐसा दिख रहा है, लाल लेट्यूस। और अब हम डाल देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ना ये क्या है, इतना अलसी का जैसा होता है ना वैसा बीच भी है, फ्लेक्सिबल जैसा लग रहा है ये। देखो मैं 3-3 सीड डाल रही हूँ, उसमें उग जाना चाहिए। ज्यादा गहरा नहीं डालते लेट्यूस को, शायद छोटा बीच है। अच्छा तो हम ऊपर कर दिए हैं, सिर्फ हल्का हल्का ऊपर से डाल के मिट्टी। अब मिट्टी क्यों देंगे जब हम गहरा कर दिए हैं? तो मिट्टी दे, तुम बोले मिट्टी देंगे इसीलिए हम थोड़ा गहरा लिए। मिट्टी देंगे तो गहरा ही हो गया ना। चलो लेट्टी उसका टैग डाल दिया हमने, अब बच गया 3 और। अब तो 3 कैप्सिकम बचे बस। अच्छा लाल, लाल नहीं है हमारे पास, येलो ऑरेंज और वाइट। अभी तो कुछ और ही है, येलो ऑरेंज वाइट हम खाते, लाल पीला हरा वही आता है जनरली। येलो, येलो कैप्सिकम के तो सीड तो सारे एक जैसे ही होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। पता नहीं टेस्ट कैसा होता होगा, मीठा होता होगा, खट्टा होता होगा, झाल का होता होगा। तुमको क्या लगता है कैसा टेस्ट होगा? कलर वाले तो जनरली झाल के तो कैप्सिकम नहीं होते, थोड़ा स्वीट ही होता है, देखते क्या होता है। आप लोग खाए हो?
वाइट कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम तो बताना। अब फाइनली बच गया हम लोग का ऑरेंज कैप्सिकम। जो हमारे घर में सब्जियां आती है तब तो सीड की कदर नहीं करते हैं। देखो अभी कितनी कदर करनी पड़ रही है, एक एक सोना के भाव, ऐसे सीड हम लोग बचा रहे हैं अपना। हम अपना ये ट्रे उठा के वहां पे रखेंगे, वहां पे थोड़ा थोड़ा सीड आता है तो आते हैं। तो ये यहाँ पे रख देते हैं तो इससे ये सेफ भी रहेगा। और पानी अब इसमें डाल देते, धीरे से डालेंगे पानी एकदम, ये धीरे धीरे से डालना पड़ेगा। ये क्या चूड़ा है, नीचे से तो पानी निकलेगा ही, इतना पानी नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा ही दो। अच्छा कुछ बनके नीचे से निकल गई। इसमें मिट्टी कहाँ दिए थे हम लोग, कॉम्पोस्ट, कुछ कॉम्पोस्ट बह गया है। आई थिंक सब पे हल्का हल्का मिट्टी दे देना चाहिए, सीड ऊपर आ गया है। खाली कॉम्पोस्ट वो दे देते हैं, कोको पीट ऊपर से हल्का हल्का। I've been trying to love you the way I do best. So would you just take my hand and let's go? Grab a cup of coffee, pour it over ice. Take it for a walk while we talk about our lives. I just wanna spend some quality time. तो हम ये सब कवर कर दिए हैं। ये थोड़ा थोड़ा हिल गया, पता नहीं टिकेगा। तो सौरभ ये वाला जो स्टैंड है यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर बारिश होगा तो यहाँ पे बारिश होगा तो ये जमीन पे पानी गिरेगा ऊपर से, इसीलिए यहाँ पे कर दिए क्योंकि उसमें शेड मिल गया उसको। कुछ दिन पहले मैंने जीजी प्लांट का लीफ लगाया था तो देखो यहाँ पे बॉल आ गया और एक छोटू सा प्लांट भी निकल आया है। तो ये मेरा जो जीजी प्लांट है इसका रूट रॉट हो गया है, तो अब हम सोच रहे हैं ऊपर का जो इतना लीफ है ना ये सबको फिर से लगा दिया जाए। ये मैंने पॉटिंग मिक्स ले लिया है, इसमें मैंने मिट्टी डाली है, कोको पीट डाली है और थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाला है। अब इसे लगा देते हैं, पहले थोड़ा सा गीला कर लेते हैं फिर आराम से लीफ जाएगा। Now we'll listen to the days and we could grab a dinner at a mom and pop. Spend our wallets at a five-star spot. Doesn't matter what we're choosing, cause I could just spend all my time with you for all my days. So just tell me how I can make you wanna be mine. Tell me what. तो ये हमारा लास्ट लीफ, मैंने 5 प्लांट लगा दिए हैं, 1, 2, 3, 6 प्लांट लगा दिए, तो हमारे 6 प्लांट रेडी हो गए हैं। 6 लीफ लग गए ये बोलो नहीं, 6 प्लांट लग गया, जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। तो देखना कुछ महीनों में आप मेरे को इसमें बॉल दिख जाएगी। और वैसे ये ग्रीन वाला जीजी प्लांट नहीं है, ये ब्लैक वाला जो लीफ वाला जीजी प्लांट आता है ये उसके लीफ है। तो अगर लग गया तो 6 ब्लैक वाले जीजी प्लांट आ जाएंगे हम लोग के पास, फिर इसे हम लोग नीचे छोटे पॉट में घर पे लगा लेंगे। बट अभी टाइम लगेगा इसे, और हम इसे सोच रहे हैं नीचे बालकनी में ले जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। तो नीचे बालकनी में सही धूप होता है और वो वहाँ ये वहाँ पे सही रहेगा और इसका केयर भी होता रहेगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने बहुत सारी सब्जियाँ लगाई, सलाद वाली सब्जी लगाई,
और मिर्ची लगाई, चार चार तरह की मिर्ची लगाई। इतनी मिर्ची हम लोग नहीं खाते हैं, बट हमें देखना है वो कैसा टेस्ट करता है, और अच्छी लग गई तो मज़ा आ जाएगा, उसे अचार बना लेंगे या बांट दिया करेंगे। बिल्डिंग में बहुत सारे लोग हैं, उनको दे देंगे, और मेरी यहाँ पे आप मेरी फैमिली भी रहती है, उनको दे देंगे, वो अचार लगा लेंगी आंटी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और अगर कोई सजेशन हो, क्योंकि हम लोगों को इतना नहीं पता है टेरेस गार्डनिंग के बारे में, हम लोग रिसर्च कर करके कर रहे हैं, अगर आप सजेशन दे सकते हो तो दे दिया करना। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी बहुत सारे फल और क्या बोलते हैं वेजिटेबल के प्लांट्स लगाएंगे, और हम लोग की अभी मिट्टी और एक बड़ा सा हम लोग ने प्लांट उगाने का ग्रो बैग भी मंगाया है, वो भी आता ही होगा, तो उसमें फिर हम लोग और बहुत सारे काफ़ी प्लांट्स उगाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।